गाइज ये बार Redmi Note 10 Pro के रिगार्डिंग फाइनली ऑफिशियल टीजर रिलीज हो चुके हैं एंड इस टीजर वीडियो के थ्रू यहाँ पर काफी सारा ऑफिशियल फीचर कंफर्म हो चुके हैं जो कि Redmi Note 10 सीरीज का Redmi Note 10 Pro में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। गाइज Redmi Note 10 Pro में हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड फीचर मिल जाएगा जो कि हम सोचे भी नहीं थे एंड एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, लेकिन उन सारे फीचर हमें Redmi Note 10 Pro में मिलने वाला है। तो आज का वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं, मैं लाइक्स नहीं मांग रहा हूँ। लाइक तो मतलब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कर ही दोगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर देना। कुछ भी आप लिख सकते हो लेकिन कमेंट जरूर करना ताकि आपसे भी मेरा जान पहचान हो जाएगा एंड हमारा दोस्ती भी शायद आगे बढ़ पाए। तो चलो यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले की। डिस्प्ले के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था क्योंकि हमें ऐसा बताया जा रहा है कि इस फोन में 120 हर्ट्ज का एक डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन अभी तक जितने भी मिड रेंज फोन में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है उन सारे फोन में IPS LCD डिस्प्ले है। तो यार उसी हिसाब से बताया जा रहा था कि ये फोन में हमें 120 हर्ट्ज का एक IPS डिस्प्ले मिल सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर Redmi ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है कि इस फोन में हमें 120 हर्ट्ज का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। गाइस अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 120 हर्ट्ज का जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है ये हमें काफी प्रीमियम फोन्स में देखने के लिए मिलता है क्योंकि ये डिस्प्ले बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। लेकिन 30,000 के अंदर बस एक ही फोन जो कि है Realme X7 Pro, उस फोन में हमें 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। तो यार अगर हमें वैसा डिस्प्ले 20,000 के अंदर भी मिलेगा तो मेरे हिसाब से 20,000 के अंदर ये बेस्ट डिस्प्ले माना जाएगा। एंड गाइस ये भी पता चल रहा है कि ये एक 4G फोन होगा क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो है Snapdragon का 732G। यही सेम प्रोसेसर हमें Poco X3 में देखने के लिए मिला था एंड यार मेरे हिसाब से 20,000 के अंदर 732G काफी बढ़िया प्रोसेसर है। गाइस अगर अभी इसका कैमरा के बारे में बात करो तो यार टीजर से साफ साफ पता चल रहा है कि Redmi Note 10 Pro में हमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर मिल जाएगा। एंड यार जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि इस फोन में हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड फीचर देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि जो लीक्स आया था ना, लीक से ये पता चल रहा था कि Redmi Note 10 Pro Max में हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि Redmi Note 10 Pro Max में तो आपको 108 मेगापिक्सल मिलेगा, ऊपर से आपको Redmi Note 10 Pro में भी 108 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाएगा। यानी इस बार Redmi Note 10 सीरीज का दोनों फोन में हमें 108 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। एंड ये टीजर से हमें ये पता चल रहा है कि Redmi Note 10 Pro में हमें डुअल सिट्रस स्पीकर मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो ये Realme 7 Pro के बाद 20,000 के अंदर ये दूसरा फोन होगा जिसमें आप लोगों को डुअल सिट्रस स्पीकर का सपोर्ट मिलेगा। तो यार अभी अगर बात करते हैं इसका बैटरी एंड चार्जिंग की, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें आप लोगों को 5020mAh का बैटरी के साथ साथ 33W का फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा। तो यार अभी अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो यार फ्रंट कैमरे के रिगार्डिंग कोई भी लीक्स एंड रूमर्स नहीं आया, लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप लोगों को 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। मेरा कैलकुलेशन सही है या फिर गलत है ये तो हमें लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। तो यार अभी अगर बात करते हैं इसका प्राइसिंग की, तो यार मेरे हिसाब से ये 18,000 से 22,000 तक हो सकता है क्योंकि यार इसमें काफ़ी सारा फीचर है। 108 मेगापिक्सल कैमरा है, सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज का एक डिस्प्ले है, फ्रंट एंड बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा, ऊपर से आपको डुअल सिट्रस स्पीकर भी मिलेगा। यार काफ़ी सारे यूट्यूबर कह रहे थे कि ये 25,000 रुपये तक चला जाएगा इसका बेस वेरियंट 4GB 64GB। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि जो MI 10 आई आया था 22,000 में, उसमें आप लोगों को 5G मिलता था, स्नैपड्रैगन का 750G मिलता था, लेकिन इसमें आप लोगों को 4G मिलेगा, ऊपर से Snapdragon का 732G मिलेगा। मतलब इधर आपको प्रोसेसर एंड कनेक्टिविटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसके बदले में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा क्योंकि 120 हर्ट्ज तो MI 10i में भी था। तो यार मैं उसी हिसाब से बताया कि इसका प्राइस MI 10i के आसपास ही होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों काफी सारे यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि ये 25,000 का फोन होगा। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड यार सरप्राइजिंगली मैं जब वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं तभी इसका लॉन्च डेट आ गया, तो इसके लॉन्च डेट मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख लो। मेरा किस्मत इतना ख़राब है ना यार, मतलब आज ही मैं बना रहा हूँ, आज ही ये फ़ोन लॉन्च होगा, आप वीडियो देख रहे हो, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो, वीडियो को लाइक भी नहीं की हो, मेरा किस्मत ही ख़राब है यार। कर दो ना यार सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दो, बुरा लग रहा है तो यार कोई बात नहीं डिसलाइक करो, एंड क्यों डिसलाइक किया वो भी मुझे कमेंट करके बता दो। एंड जैसे कि मैं पहले बताया, अगर आप मेरा चैनल पे न्यू हो तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा है, उधर जाके आप कोई भी एक कमेंट कर दो एंड बता दो कि आप न्यू हो या फिर पुराना हो। अगर पुराना हो तो यार मुझे तो पता चल ही जाएगा। चैनल पे न्यू होने पर आप और एक काम कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली जो बेल आइकॉन आएगा उसे भी दबा के ऑल पर सेट कर सकते हो। इससे होगा क्या, मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूंगा ना आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलो यार हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।